अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। क्या टाइगर का विलन फिल्म में बनेगा सनी की मुसीबत का कारण? कैसी हो सकती है गदर 2 की कहानी? क्या सकीना को बहुत कम स्क्रीन टाइम मिलेगा फिल्म में? पर वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक करें और दोस्तों इस जॉब अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनी देओल की अपकमिंग गदर 2 को लेकर मीडिया, सोशल मीडिया और फैंस के बीच में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। करीब 20 सालों के बाद गदर फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा और फिल्म की शूटिंग भी लगभग 90% हो गई है। कुछ सीन्स बचे हैं जो सनी के अमेरिका से वापस आने के बाद शूट कर लिए जाएंगे, लेकिन जब से गदर 2 की अनाउंसमेंट हुई है ये फिल्म विवादों में ही घिरा पड़ा है। इसकी कहानी को लेकर विवाद हुआ और फिर इस फिल्म पर मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेलने का आरोप लगा दिया गया, जिस वजह से इस फिल्म को बैन करने की भी कोशिश की जा रही है। और अब इस फिल्म की कहानी से पर्दा उठ चुका है। अकॉर्डिंग टू द लीडिंग वेबसाइट, गदर 2 की कहानी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड होने वाली है, यानी कि फिर एक बार इंडिया पाकिस्तान के संघर्ष पर मूवी बेस्ड होगी, जहां उन्हें फिल्म का विलन काफी टॉर्चर करेगा, जिसका कैरेक्टर निभाएंगे टाइगर। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अमरीश पुरी सर ने जिस तरह से अपना कैरेक्टर प्ले किया था उनको रिप्लेस करना नामुमकिन है, लेकिन अब वह हमारे बीच नहीं है और बिना विलन का हीरो का भी कोई इतना इम्पैक्ट नहीं रहता। और सज्जद अलफरोज विलन के लिए एक परफेक्ट चॉइस है और एक दमदार विलन भी है, जिससे इस फिल्म में काफ़ी मज़ेदार और गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जैसा कि गदर 2 ज़्यादातर तारा सिंह और उसके बेटे पर बेस्ड होगी, इसलिए सकीना का रोल फिल्म में काफी कम रहेगा। वह हमें बहुत कम स्क्रीन पर नजर आएंगी, लेकिन उनका कैरेक्टर भी फिल्म के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना तारा सिंह और उनके बेटे का कैरेक्टर है। गदर 2 में इस बार बाप और बेटे का इमोशनल एंगल दिखाया जाएगा, यानी कि इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ इमोशनल पार्ट्स भी दिखाए जाएंगे काफी अच्छे तरीके से। गदर 2 के अलावा सनी देओल साउथ की एक बड़ी रीमेक में भी दिखाई देने वाले हैं, जिसका नाम है जो शेफ। इसके साथ ही वह एक क्राइम थ्रिलर मूवी में भी नजर आएंगे। आप लोगों को क्या लगता है? Let us know in the comment section। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों इसे जरूर से जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही चटपटी खबरों के साथ।